लालच बुरी बला है। एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, उनके दो बेटे थे। वो अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करते थे। यह सोचकर वो शहर चले जाएं तो दोनों बेटों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, उन्होंने अपना पुश्तैनी घर बेच दिया। गांव में चोरियां बहुत हो रही थी, इसलिए वो सारा पैसा उन्होंने एक खेत में गाड़ दिया। घर पहुंचकर घर बेचने की बात दोनों बेटों को बताई और यह भी बताया कि घर का नया मालिक एक दो दिन में यहाँ रहने आ जाएगा, इसलिए तैयारी करो शहर चलने की। घर बिकने की बात सुन दोनों बेटों के मन में खोट आ गया। दोनों सोचने लगे कि क्यों ना हम ही सारा पैसा हड़प लें। तरकीब सोचते हुए दोनों अपने पिता के पास गए और पूछा, पर पैसा तो आप लाए नहीं। पिता ने उत्तर दिया, अरे सारे पैसे मेरे पास हैं, तुम दोनों चिंता मत करो। रात को बड़ा बेटा उठा और सोते हुए पिता के सामान की तलाशी लेने लगा। तभी छोटा बेटा भी वहाँ पैसा ढूंढते हुए पहुँच गया। एक दूसरे को देख दोनों घबरा गए। तब फुसफुसाते हुए दोनों ने तय किया कि इस बूढ़े पिता को साथ ले जाकर क्या करेंगे, क्यों ना हम दोनों मिलकर पैसा ढूंढें। जब पैसा मिल जाएगा तो उसका बराबर बंटवारा कर शहर भाग जाएंगे। उन्हें पता ही नहीं चला पिता की नींद खुल गई थी और वो उनकी सारी बातें सुन रहे थे। अपनी पत्नी की मौत के बाद इतने प्यार से पाला था इन दोनों बेटों को और आज वही उसे धोखा दे रहे हैं। अगले दिन उन्होंने सारा पैसा जमीन से निकाला और एक वृद्ध आश्रम को दान कर दिया। वो अपने बेटों की घृणित सोच से इतनी दुखी हुए कि उन्होंने फौरन घर छोड़ दिया और साधु का वेश धारण कर गांव से हमेशा के लिए चले गए। दूसरे दिन नया मकान मालिक आया और उसने दोनों बेटों को घर से निकाल दिया। अब दोनों के पास न पिता था, न घर था और न ही पैसा। तो देखा आपने, लालच की वजह से दोनों के हाथ से पैसा भी गया और पिता का प्यार भी। तभी कहते हैं लालच बुरी बला है।